सदन की प्रोडक्टिविटी 167% रही, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। देर रात तक बैठकर माननीय सदस्यों ने विधायी कार्य और संसद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को में शामिल हुए। मुझे याद है कि वह सत्र के समय संक्रमण की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसके बाद भी सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षा से अधिक रही, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। सदन में जो हमारी समितियों की बैठक है, वो सामान्य समितियों की बैठक कोरोना के संक्रमण के बाद भी 500 से ज्यादा सामान्य रूप से होती थी, इस बार 380 करीबन बैठ के हुई और अधिकतम विधायी कार्य उन्होंने निपटाए। इस सत्र के अंदर भी हमने कोशिश की है कि सुरक्षा की दृष्टि से सारे व्यापक इंतजाम हो, ताकि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चल सके। कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी संक्रमण 5% से अधिक है। दिल्ली में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संसद में सभी राज्यों के माननीय सांसद आते हैं, इसलिए पिछले सत्रों की अनुसार व्यापक सुरक्षा इंतजाम और सदन के अंदर बैठने की व्यवस्था भी सुरक्षा की दृष्टि से कोविड मापदंडों का पालन करते हुए सामान्य दूरी पर हमने व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का हमें इसमें भी अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आरटीपीसीआर की सुविधा यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहेगी माननीय सदस्यों के लिए भी, और जो भी माननीय गणमान्य व्यक्ति सदन की कार्रवाई के हिस्से हैं और जो पत्रकार जगत के लोग हैं, उनके लिए भी 24 घंटे आरटीपीसीआर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि कभी भी हम जांच कर सकें और उसके रिजल्ट भी हम अपेक्षा करेंगे कि 12 घंटे के अंदर से कम समय में उन सब के रिजल्ट आ जाएं। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, अधिकतम माननीय सदस्यों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड या अन्य वैक्सीन लगा लिया है। इसमें से 311 माननीय सदस्यों ने सेकेंड डोज की भी वैक्सीन करा ली है। कुछ 23 मान्य सदस्य हैं जिनके अभी कोवैक्सीन या कोशील्ड या अन्य कोई वैक्सीन नहीं लगाई है। उसका कारण कुछ लोगों के अभी कोविड के लक्षण हुए थे, उसके कारण वो नहीं लगा पाए, और 2-3 मान्य सदस्य हैं जो मेडिकल के कारण नहीं लगा पाए हैं। बाकी सभी मान्य सदस्यों ने वैक्सीनेशन का कर लिया है। सचिवालय के सारे स्टाफ को वैक्सीनेशन हो चुका है। हमने कोशिश की है कि माननीय सदस्यों के जो स्टाफ है उनको भी वैक्सीनेशन हो जाए, उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी सभी डिस्पेंसरियों में। आप लोगों से भी आग्रह है कि यहाँ पर सुविधा है डिस्पेंसरियों में, आप भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, ताकि हम सबको सुरक्षित रख सकें। सत्र के दौरान विधायी कार्य अन्य मुद्दों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर फैसला होगा, निर्णय होगा, उसके अनुसार सदन की कार्रवाई चलेगी। 18 तारीख को सदन के सभी फ्लोर लीडर, सभी दल के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें उन सब के विचार जाने जाएंगे। हमारी कोशिश है सदन में व्यापक चर्चा हो, विचार विमर्श हो, तर्क हो, ताकि हम सदन के माध्यम से देश की जनता का अधिकतम कल्याण कर सके, उनके बुनियादी मुद्दों को समाधान कर सके। जो भी माननीय सदस्य सदन में मुद्दा उठाता है,
सरकार ने एक सार्थक पहल किए कि 377 के जो भी मुद्दे माननीय सदस्य उठाते थे पहले लोकसभा सत्र के अंदर 60-35% से जवाब आते थे, अब 377 के जवाब विद इन वन मंथ के अंदर उनको 95% के जवाब मिलते हैं। हमने कोशिश की है कि 19 तारीख को जो सत्र शुरू होगा उसके पहले सभी माननीय सदस्यों ने जो 377 के मुद्दे उठाएं उनके जवाब मिलेंगे। शून्यकाल के अंदर भी जो विषय उठाएं उसके बारे में भी सरकार ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और उन विषयों को भी सरकार ने संज्ञान लेकर माननीय सदस्यों को अवगत कराया। कई के लिखित जवाब दिए गए, कईयों को डायरेक्शन दिए गए कि माननीय सदस्यों से मिलकर जिन तथ्यों को उन्होंने उठाए उनकी जानकारी प्राप्त करें और कैसे समाधान हो सकते हैं उसके विकल्पों को ढूंढें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, 36 माननीय नए सदस्य शामिल हुए हैं, इससे कई हमारे समितियों के स्थान रिक्त हुए हैं जिनकी कार्रवाई भी हम पूरी कर लेंगे ताकि निर्बाध रूप से सदन की कार्रवाई और समितियों की कार्रवाई पूर्ण रूप से चल सके। विशेष रूप से मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमने माननीय सदस्यों के क्षमता को हम और बेहतरीन कर सकें, वाद विवाद करते समय माननीय सदस्यों को पूरे तथ्यों की जानकारी विषयों की जानकारी रहे, इसके लिए हमने प्रिज्म जो हमारी बहुत वर्षों से हमारी लाइब्रेरी के साथ साथ हमारी रिसर्च विंग चलती थी उसको हमने माननीय सदस्यों को सहज और सरल रूप से उपलब्ध रहे। इसके लिए 24 घंटे जब कभी भी जिस विषय पर भी उनको किसी विषय का रिसर्च पेपर चाहिए 24 घंटे उनको वो रिसर्च पेपर मिलेंगे। आने वाले समय में हम इस लाइब्रेरी को संपूर्ण डिजिटल की करण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 10वीं लोकसभा से लेकर और 7वीं लोकसभा तक कंप्लीट सदन की कार्रवाई मेटा डेटा के उपलब्ध है, किसी के नाम से किसी विषय के नाम से वो उस डिबेट को देख सकता है। देश के 13 माननीय प्रधानमंत्रियों की इंग्लिश और हिंदी के अंदर डिबेट यहाँ उपलब्ध है। हमारी कोशिश है कि 1854 से लेकर अभी तक सदन की सारी कार्रवाइयों को हम डिजिटलकरण कर लें और मेटा डेटा पर उपलब्ध रहे ताकि किसी के नाम से किसी विषय के नाम से कोई भी कभी भी पुरानी वाद विवाद संवाद चर्चा को किसी विषय पर हुई उसको देख सकें, ताकि हम ये उपलब्धता केवल माननीय सदस्यों के लिए नहीं होगी, हम राज्य के विधानसभा के माननीय सदस्य भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसी के साथ राज्य विधानसभाएं और संसद दोनों डिजिटल लाइब्रेरियों को एक साथ हम करने जा रहे हैं ताकि किसी भी राज्य की उस विधानसभा की कार्रवाई को और लोकसभा की कार्रवाई को एक ही प्लेटफार्म पर माननीय सदस्य देख सकें, ताकि देश भर के अंदर जितने भी रिसर्च हैं शोध हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी डिबेट हुई है चर्चा हुई है जिसकी जानकारी हमारा नौजवान प्राप्त करना चाहता है, कई विषयों पर आप भी जानकारी चाहते हैं कि उस किस विषय पर किस समय क्या चर्चा हुई थी क्या संवाद हुआ था वह आपको तुरंत उपलब्ध होगी। इसी तरीके से लाइब्रेरी संग्रहालय के अंदर भी 24 घंटे ऑनलाइन किताबों की सुविधा उपलब्ध रहेगी, माननीय सदस्य कभी भी किसी भी किताब को मंगाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी भी उसको घर पे की जाएगी ताकि माननीय सदस्य अधिकतम लाइब्रेरी का उपयोग कर सके। हमने जितनी भी किताबें यहाँ पर हैं उन किताबों का एक डेटा उपलब्ध रहेगा ताकि कौन सी किताब किस लेखक की क्या विषय है उनके शॉर्ट समरी भी उसमें उपलब्ध रहेगी ताकि कोई भी माननीय सदस्य या देश का कोई भी व्यक्ति उसमें देख सके और इस लाइब्रेरी का अधिकतम उपयोग कर सके, क्योंकि ये लाइब्रेरी हमारी विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसको और हम कैसे बेहतरीन उपयोगी बना सकते हैं ताकि
सभी देश की जनता के लिए इसका उपयोग हो सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के रूप में भी हमने नए प्रयोग शुरू किए हैं। अभी 92% लोगों के ई नोटिस आते हैं। हमारी कोशिश है कि इस लोकसभा के अंदर 100% लोग ई नोटिस प्रश्न भी लगाएं, ताकि हम कागज़ की बचत भी कर सकें और जितना ई नोटिस होगा उसका तुरंत प्रभाव से हम व्यापक उपयोग करके उसको जवाब भी दे पाएंगे। इसी तरीके से प्रश्नों का उपयोग भी, उसके जवाब को भी हम डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसको उपलब्ध कर सकें। हम एक ऐप भी डेवलप करने वाले हैं, जिसको हम इस सत्र में या अगले सत्र तक, ताकि उस ऐप में सारी जानकारी रहे, उसमें लाइव लोकसभा टीवी रहे, ताकि कोई भी अपने मोबाइल पर सब चीज़ देख सकता है। उसमें पिछली जितनी भी डिबेट है, बहस है, ओवर है, प्रश्न उत्तर हैं, कौन से प्रश्न किसने उठाए, सारे विषयों को ले भी एक हमने प्लान किया है, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर हाथ में जो हमारा मोबाइल है, वो मोबाइल संपूर्ण लोकसभा की कार्रवाइयों को देख सके। ये भी हम आगे भविष्य में करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि माननीय सदस्यों के लिए ये कार्यालय सहज रूप से उपलब्ध रहे, और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी उपयोगी सामग्री हो सकती है उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि जब सदन में डिबेट हो, चर्चा हो, तो माननीय सदस्यों को पुरानी चर्चा डिबेट की भी जानकारी हो, ताकि वह सदन में एक सार्थक बहस कर सके, सार्थक संवाद कर सके, और उसका काफ़ी लंबे समय लाभ मिलता है उस पुरानी जानकारी के आधार पर। और विशेष रूप से आपको भी पता चल जाता है किस माननीय सदस्य ने कौन से सत्र में क्या विषय पर क्या बात रखी थी, आज कौन से सत्र पर कौन सी बात रख रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी भी आपको समय समय मिल जाएगी। इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की है। लाइब्रेरी को डिजिटलीकरण करने के साथ साथ हमारी कोशिश है कि वेब पेज पर भी सब चीज़ें उपलब्ध रहे। उसके लिए भी हमने जितनी भी पुरानी डिबेट है, बहस है, वो हमने उस वेब पेज पर लाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि बहुत कम समय में, अभी 11वीं से 17वीं है, और मुश्किल से एक साल के अंदर हमारी कोशिश है कि हम 100% जो हमारे पास रिकॉर्ड में है 1854 से लेकर अभी तक, उन सभी डिबेटों को डिजिटलाइजेशन करने के बाद डिजिटल उपयोग में ले सके। इसके लिए भी हमने प्लान किया है। मैं सभी दलों से मेरा आग्रह है कि आपने संसद के पांचों सत्रों के अंदर जिस तरीके का सार्थक सहयोग दिया, सार्थक चर्चा की, संवाद किया, देर रात्रि तक बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया, देश के प्रमुख मुद्दों को उठाया, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया, इस सत्र के अंदर भी उसी तरीके का सार्थक सहयोग मिलेगा, ताकि देश के हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा कर सकें, और विधायी कार्य भी कर सकें, ताकि कानून बनाने से देश की जनता का कल्याण हो, कानून देश के हित में हो, इसके लिए भी सार्थक चर्चा हो। इसके लिए सभी दलों का अपेक्षित सहयोग भी है। सदन के अंदर हंगामा व्यवधान कम से कम हो, इसके लिए समय समय पर पीठासीन अधिकारी भी हम चर्चा करते रहते हैं। मैं सभी दलों से भी आग्रह करूंगा कि हम अपनी बात को संसद में तर्क के साथ रखें। व्यवधान, हंगामे, नारेबाजी, वेल में आने, इसको एक्टिविटीज़ को हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। देश की जनता भी ये अपेक्षा करती है कि आप सदन में चर्चा करें, संवाद करें, कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हों तो जितनी गंभीरता से उठाना आप उठाएं, तर्कों के साथ उठाएं, संसद चर्चा के लिए, संवाद के लिए। और मेरी कोशिश होगी कि सभी माननीय सदस्यों पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, ताकि वो अपनी बात सदन के अंदर कह सके और सरकार की जवाबदेही तय कर सके। मुझे आशा है कि हर सदन में, कार्रवाई में
आपका सार्थक सहयोग रहता है, इसी तरीके का सार्थक सहयोग इस बार भी रहे। मेरी कोशिश है कि व्यापक सुरक्षा इंतजामों के साथ ये सदन की कार्रवाई भी पुराने रिकॉर्डों को तोड़ेगी, ताकि हम देश की जनता को इस संसद के माध्यम से, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम और सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें, जनता की बुनियादी बातों को सदन के माध्यम से लाकर सरकार के प्रति जवाबदेह तय कर सकें और उनके मुद्दों को समाधान कर देश के अंदर एक अच्छे वातावरण को बनाने में सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।